मूवी की शुरुआत में एक मेले का सीन दिखाते हैं जहां वेंडी नाम की लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हुई है। वहां वो एक राइड पर बैठे अपने फ्रेंड की पिक्चर क्लिक कर रही होती है। तभी वो कैमरे में देखती है कि जिस राइड पे उनके फ्रेंड्स बैठे थे उसका नाम हाई डाइव था, लेकिन कैमरे में पिक्चर में हाई डाइव दिखा रहा था क्योंकि वी की लाइट बंद हो गई थी। वेंडी वहाँ आए हुए अपने सारे फ्रेंड्स की पिक्चर लेती है अपनी स्कूल मैगजीन के लिए। तभी वहाँ उसे उसकी सिस्टर भी दिखती है। वहाँ वो सभी दोस्त रोलर कोस्टर की राइड लेने जाते हैं, लेकिन वेंडी को कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है कि उसे लग रहा है यहाँ कुछ होने वाला है। साथ ही वहाँ एक बहुत बड़े शैतान का पुतला होता है जिसे देख के वेंडी को अजीब सा लगता है। वहाँ वेंडी को दिखता है कि रोलर कोस्टर की मशीन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ वेंडी को फ्रंट सीट पर बैठने को मिलता है, लेकिन वो डर जाती है और अपने फ्रेंड केविन के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। वेंडी कैमरा निकालती है, तभी एक गार्ड आकर उन्हें मना कर देता है कि कैमरा यूज नहीं कर सकते। तभी फ्रंट सीट पर लगी च्युइंगम केविन के हाथ पर चिपक जाती है और जैसे ही रोलर कोस्टर चलता है उनका एक फ्रेंड कैमरा निकाल लेता है। तभी उसका कैमरा गिरकर पटरियों पर अटक जाता है जिससे रोलर कोस्टर टकराता है और अपना संतुलन खो देता है और उससे उनके सीट्स के लोग खुल जाते हैं और टायर भी निकल जाते हैं। रोलर कोस्टर बेकाबू हो जाता है और एक एक करके वेंडी के सारे दोस्त मारे जाते हैं और आखिर में वो भी नीचे गिरने लगती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी, लेकिन वो तभी देखती है गार्ड आके उसे कैमरा अंदर रखने को कहता है जैसा उसने सपने में देखा था। और वो देखती है कि केविन के हाथ पर वैसे ही च्युइंगम चिपक जाती है और वो घबरा जाती है और कहती है कि यहाँ दुर्घटना होने वाली है। इसी बात पे केविन की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और उसे और उसके कुछ फ्रेंड को नीचे उतार देते हैं और बाकी फ्रेंड को लेकर रोलर कोस्टर चला जाता है। लेकिन तभी वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है और जो लोग उस पर होते हैं वो मारे जाते हैं। इस घटना से परेशान होकर वेंडी शहर छोड़ने को सोचती है और केविन वहाँ आता है और उसे बताता है कि 6 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था और एक एलेक्स नाम के लड़के को ये आभास हुआ था कि प्लेन में क्रैश होने वाला है और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उतर गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद सब लोग एक एक करके मारे गए। वेंडी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वहाँ से चली जाती है। वहीं वेंडी की बहन उसे गुड लक ब्रेसलेट देती है। वेंडी कैमरे की पिक्स कॉपी करते हुए देखती है कि उसका फ्रेंड जो रोलर कोस्टर पर मरा था उसकी पिक में टूटा हुआ रोलर कोस्टर दिख रहा है। आगे वो अपनी दो फ्रेंड्स को देखती हैं। उनकी पिक्स में एक पेड़ होता है बीच में। वो तुरंत उन्हें फोन मिलाती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। आगे दिखाते हैं उसकी दोनों फ्रेंड्स टैनिंग के लिए पार्लर जाती हैं और वहाँ वो मशीन में टेम्परेचर खुद सेट करती हैं और अपनी ड्रिंक एक टेबल पर रख देती हैं। ड्रिंक में से पानी नीचे रखे स्टेबलाइजर पर गिरता है और शॉर्ट सर्किट होता है और टैनिंग मशीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आगे ऊपर से एक बोर्ड गिरता है जो दोनों के कंपार्टमेंट को सील कर देता है और वो बाहर नहीं आ पाती। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और दोनों को जलाना शुरू कर देता है। गर्मी से वहाँ आग लग जाती है और दोनों उसमें जलकर मर जाती हैं। वेंडी शोक समारोह में केविन को पिक्चर्स के बारे में बताती है और दोनों पता लगाना शुरू कर देते हैं कि कब कौन मरेगा। वो लोग एक ड्राइववे में गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं अगला नंबर उनके फ्रेंड फ्रैंक का है। इससे पहले वो कुछ सोच पाते एक ट्रक जिसे कोई नहीं चला रहा वो उनकी तरफ आ रहा है और टकराने ही वाला होता है कि केविन फ्रंट शीशा तोड़ के खुद को और वेंडी को बचा लेता है, लेकिन वो ट्रक आगे वाली गाड़ी में बैठे आदमी को मार देता है। बाद में देखने पर पता चलता है आगे उनका फ्रेंड फ्रैंक ही था। आगे वो अपने फ्रेंड लुइस की पिक देखते हैं जिसमें उसका सिर नहीं दिख रहा और वो उसे आगाह करने उसके जिम में जाते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। और तभी अचानक एक्सरसाइज करते वक्त दो तलवार मशीन की वायर काट देती हैं और मशीन लुइस का सिर कुचल देती है। यहाँ से उन्हें यकीन हो जाता है कि पिक्चर्स उन्हें मौत का डिजाइन दिखा रही है क्योंकि लुइस की पिक में उसका सिर नहीं था। वेंडी और केविन आगे अपने फ्रेंड इरीन और रियान के पास जाते हैं और बताते हैं अगला नंबर उनका है, लेकिन वो भी उनकी बात नहीं मानते। आगे दिखाते हैं वहाँ एक हादसा होता है और इसमें इरिन नेल गन से मारी जाती है जिसके लिए इयान वेंडी को जिम्मेदार मानता है और उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देता है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से पुलिस उन्हें छोड़ देती है। इयान को इन दोनों ने बचा लिया था। तो अगला नंबर उनके पीछे बैठे हुए इंसान का है लेकिन पिक में उसका सिर्फ हाथ दिख रहा है।
आगे वेंडी देखती है कि पिक्चर में जिसका हाथ है वो उसकी बहन है, क्योंकि उसने वही ब्रेसलेट पहना था जो उसकी दादी ने उसकी बहन को दिया था। वेंडी केविन को फोन करती है और बताती है कि अगला नंबर उसकी बहन और उसकी एक फ्रेंड का है। वेंडी बताती है कि उसकी बहन पॉलिश फंक्शन में गई हुई है। केविन कहता है कि वो भी वही है और वो उसे ढूंढ लेगा। केविन वेंडी को बताता है कि उसकी बहन के बाद उन दोनों का नंबर है। तो वेंडी अपनी और केविन की पिक्चर देखती है, जहां अपनी पिक में उसे मैक किनले दिखता है, जो यान का सरनेम होता है। केविन की पिक में लाइट दिखती है। वेंडी भी कॉलेज फंक्शन में जा रही है। वहां कोई घोड़े के पीछे पटाखे लगा देता है, जिससे घोड़ा बेकाबू हो जाता है और भागते हुए वेंडी की बहन घोड़े की रस्सी में अटक जाती है। वेंडी की बहन किलो से टकराने ही वाली होती है कि केविन रस्सी काट कर उसे बचा लेता है। वेंडी अपनी बहन से पूछती है कि रोलर कोस्टर पर उसके साथ कौन बैठा था, और अब उसकी बारी है। तभी एक पाइप आके वेंडी की बहन की फ्रेंड के पेट में घुस जाती है और वो मर जाती है। वेंडी को आभास होता है कि अगला नंबर केविन का है और वो केविन को आग से बचा लेती है। तभी वहाँ यान आ जाता है और वेंडी सबको वहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि अगला नंबर उसी का है और उसकी मौत का कारण यान होगा। तभी वहाँ एक साइन बोर्ड आकर यान के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। यहाँ सबको लगता है मौत का चक्कर पूरा हो गया और वो सब बच गए। अगला सीन 5 महीने बाद का होता है और वेंडी ट्रेन में कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ उसे कुछ अजीब सा लगता है और कुछ साइन मिलते हैं, जिससे लगता है कुछ होने वाला है। वहाँ उसे अपनी बहन भी मिलती है, जो उसे बताती है कि कुछ नहीं होगा और अगर होगा भी तो पहले वो मरेगी, फिर केविन और बाद में वेंडी। तभी वहाँ उन्हें केविन भी मिलता है और वो बात कर ही रहे होते हैं कि ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाती है और आपस में टकरा जाती है। यहाँ पहले उसकी बहन जूली, फिर केविन, दोनों मारे जाते हैं और वेंडी ट्रैक पे गिर जाती है। तभी सामने से ट्रेन आती है और वेंडी की आंखें खुल जाती हैं और उसे पता लगता है कि वो सपना देख रही थी। उसकी शक्ल देख के जूली और केविन समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है और वेंडी बोलती है कि यह ट्रेन क्रैश होने वाली है। वो ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते और ट्रेन क्रैश हो जाती है। यही मूवी खत्म हो जाती है।